तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मोबाइल सॉल्यूशन पबजी गेम में आज आपके फिर से स्वागत है। और आज हमारे पास है ओप्पो का सेट, उसका हम आर यू सेट पैटर्न लॉक कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा फ्रेंड का फ़ोन है और ये मेरा एक और फ़ोन। आज हम जुगाड़ करेंगे एक, तो वो जुगाड़ हमारा कामयाब होता है नहीं होता। तो सबसे पहले दोस्तों, एक मोबाइल और ले लेना है आपको, जैसे कि मैंने ये मोबाइल ले लिया है। उसके अलावा तो गूगल पे जाना है दोस्तों, यहाँ से तो गूगल पे सर्च करना है दोस्तों, एंड माई डिवाइस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे चल जाना है और ये देखिए दोस्तों, फैन माई डिवाइस एंड गूगल। गूगल जो है उसके द्वारा हम आज एक बार चेक करेंगे कि हमारा जो मोबाइल है वो, तो इसमें आईडी देखिए दोस्तों, इसमें आईडी जो ओप्पो के सेट में जो आईडी लगी है वही आईडी मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली आईडी लगी हुई है, तो ये देखिए दोस्तों, मैं एक बार कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारी नव्या रोहिला की जो आईडी है ये हमारी कंप्लीट ऑन हो चुकी है। और इस आईडी पे दोस्तों, एक तो घर का नंबर है जो Xiaomi Redmi Note 6 Pro, और एक हमारे पास ये देखिए, यहाँ से आप टाइप करोगे तो आपको एक और नज़र आएगा, वो होगा ओप्पो A3s। तो जितने भी मोबाइल इस आईडी में आपको लगे हुए हैं तो उनको आप आसानी से ये देखिए। यहाँ पे अगर आप साउंड करना चाहो तो साउंड का मैं एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ यहाँ, तो ये देखिए दोस्तों, तो ये साउंड का भी ऑप्शन आया हुआ है दोस्तों। इसके बाद मैं एक थोड़ा बैक कर लेते हैं हम, सॉरी गाइज, वाली आईडी फिर से लगाते हैं। तैतीस नंबर था दोस्तों, 71 नंबर है, अभी नंबर के हिसाब से ही अपने को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा। तो ये हमारी जो आईडी है वो खुल चुकी है दोस्तों। यहाँ पे आप गूगल में जाएंगे फिर से, यहाँ पे काटना आपको माई डिवाइस, ये देखिए दोस्तों, दोनों का दोनों आया है। यहाँ से फिर से नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं A3s पे। तो A3s अभी हमारा कनेक्टेड हो रहा है दोस्तों, थोड़ा वेट कर लेते हैं। कनेक्टेडिंग डिवाइस, तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप एक ध्यान रखना बात, जो हमारा ओप्पो A3s है उसमें भी आप सिम डाल के नेट एक्टिवेट कर देना दोस्तों, क्योंकि सिम डाल के एक्टिवेट नेट नहीं करोगे तो आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कैंट कनेक्ट फिर से कर देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है मोबाइल ऑनलाइन आ चुका है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ़ोन है, ये चार्जिंग भी है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर दिया हुआ है, तो आप सिक्योरिटी पे मैसेज भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर लिखना होता है, जो भी मैसेज देना होता है तो आप कर सकते हो। तो मैं करके दिखा देता हूँ दोस्तों।
देखिए दोस्तों, उसके बाद में आप अपना नंबर लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, अपना जो भी नंबर है। मैं एक बार कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 10 ही नंबर, जो भी नंबर है आपको, और सिक्योर कर देना दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे रख लेता हूँ मैं, और इसको खोल के देखता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, प्लीज ब्रो ये मोबाइल में है, और ओवन, और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, तो ये लॉक्ड हो चुका है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम अब इसको हार्ड रीसेट करते हैं दोस्तों, यहाँ से डिसमिस कर देना है, और यहाँ से देखिए दोस्तों, इरेजिंग डिवाइस एक बार यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ये मैंने यहाँ से कर दिया है, और यहाँ पे एक बार अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ से वेरीफाई कर दिया दोस्तों, उसके बाद में ये मोबाइल है हमारा, वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक ऑप्शन और आ चुका है, ये देखिए परमानेंटली रेजिंग। तो यहाँ से एक बार कर देते हैं दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मोबाइल बंद हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो चुका है, और अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसका जो पैटर्न लॉक है वो ओके हुआ है या नहीं हुआ है, तो देख लेते हैं दोस्तों, वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, वीपिंग प्लीज डाटा प्लीज़ वेट। तो हमारा जो डाटा है पैटर्न लॉक रिमूव हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं हम। तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों, A5 का, A3S का, तो टाइम लेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही है कि कोई भी मोबाइल हम हार्ड रीसेट करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो वो थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। वेट कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, रीसेट स्टार्ट हो चुका था, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली हमारा जो फोन है वो हार्ड रीसेट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट कर देना है आपको, यहाँ से एक बार फिर से नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे, एक बार ये देखिए दोस्तों, स्किप कर देना है यहाँ से। तो स्किप नहीं होगा दोस्तों, ये एक बार हम इंटरनेट चला लेते हैं यहाँ पे। इसका पासवर्ड डाल देता हूँ दोस्तों मैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने हमारा पासवर्ड लगाया, उसके बाद में ये नेक्स्ट का आ गया, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है दोस्तों, यहाँ से एक बार क्लिक कर देना है, दो बार दोनों को, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने बैक किया है तो यहाँ पे ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी तो हमें पता ही है दोस्तों, वो लगा लेते हैं। नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों। और वहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन आएगा फोन पे। ये देखिए दोस्तों, ये आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करके मेरा जो मोबाइल है उसका मैंने आईडी लगा दिया है, और यहाँ से यस कर देना है। और ये देखिए यहाँ पे 91, तो 91 कर देना दोस्तों। इसका काम ख़त्म हो गया, अभी इस पर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो आईडी लग चुकी है, और ये यस कर देना यहाँ पे। ऐड ए प्राइवेट अकाउंट के नाम से मैं कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो रिस्टोर कर देते हैं दोस्तों, बैकअप का हमें कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, आप ऐसे आपका जो A3S का जो प्रॉब्लम आ रहा है, पैटर्न लॉक का जो भी है, वो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। 100% ओके हो जाएगा दोस्तों इसमें। ये देखिए, ये आप स्किप कर देते हैं, ओके कर देते हैं, उसके बाद में न्यू, और यहाँ पे आप स्किप कर देना एक बार। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, और ये मैं मॉडल नंबर दिखा देता हूँ आपको। A3S ही है दोस्तों। बाद में बहुत से भाइयों का कमेंट आता है, बोलते हैं A3S नहीं है। ये देखिए भाई, CHP 1803। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, जो भी मेरा भाई वीडियो देख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे भाई।